हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट स्टॉक्स। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे वर्ग दो का परिणाम आ चुका है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट रैंक कितने नंबर पे मिली है, दोस्तों यहाँ पे डिटेल मेरे पास आ चुकी है, तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे कितने नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है, कितने नंबर पे फर्स्ट रैंक मिली है लोगों को, तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो मेरे साथ लास्ट तक। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट खबर पर। मैं आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ दोस्तों, जिनकी यहाँ पे फर्स्ट रैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रैंक वन कंसोलिडेटेड पोजीशन फर्स्ट, इनकी जनरल कैटेगरी से थी, तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट रैंक आई है। और रिजल्ट में दोस्तों, ये कैटेगरी तो इनकी जनरल रहेगी, तो रिजल्ट में भी इनकी फर्स्ट रैंक है। ये गेस्ट फैकल्टी नहीं थे, तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी इनको रैंक नहीं दी गई गेस्ट फैकल्टी की उसमें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं मार्क्स बता देता हूँ, इनको कितने मार्क्स मिले हैं। तो दोस्तों, इनको सबसे पहले बता दूँ, सब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे मैथ्स था। स्टेटस इनका ऑलरेडी क्वालिफाइड है। अब दोस्तों, इनके जो मार्क्स थे वो 136.86 इनके मार्क्स थे, जो कि नॉर्मलाइज जो के दोस्तों 141.01 हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैथ्स सब्जेक्ट में 150 से 141.01 पर यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिली है। तो दोस्तों, यहाँ पे नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैं अभी, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ सभी डिटेल। यहाँ पे जनरल कैटेगरी से ये थे, और दोस्तों इनकी यहाँ पे फर्स्ट रैंक मैथ्स सब्जेक्ट में आई है 136 इनके जो प्रोफेशनल मतलब मार्क्स जो थे। और दोस्तों, इनके लगभग चार नंबर यहाँ पे बढ़ने के बाद 141.01 मार्क्स इनके हो गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इन्होंने फर्स्ट रैंक यहाँ पे मैथ्स में हासिल की है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी डिटेल यहाँ पे मुझे सेंड करने चाहते हैं, अपना रिजल्ट शेयर करने चाहते हैं, बिल्कुल कॉमेंट से अपनी डिटेल बता सकते हैं। दोस्तों, आपका रिजल्ट मैं इस तरह दिखा दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैथ्स सब्जेक्ट में दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट रैंक के कैंडिडेट जो मेरे को अभी मिल चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के मैं आपको कैंडिडेट बताने वाला हूँ, फर्स्ट रैंक कितने मार्क्स पर आप लोगों को मिली है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कंसोलिडेटेड पोजीशन की बात कर लेते हो। दोस्तों, यहाँ पे जो ओवरऑल पोजीशन रहती है उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड पोजीशन। इनकी जो कैटेगरी रैंक है दोस्तों, उसमें भी यहाँ पर लिखा रहता है। तो दोस्तों, कैटेगरी रैंक में आती है। अब दोस्तों, यहाँ पे कितने मार्क्स तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो दोस्तों ये इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे वैकेंसीज़ कितनी है। वैकेंसीज़ का दोस्तों यहाँ पे जो रिजर्वेशन है दोस्तों, इसमें महिलाओं को भी अलग से रिजर्वेशन दिए गए हैं, जिसका सभी कैटेगरीज दोस्तों यहाँ पे बांट दी गई हैं, एससी एसटी ओबीसी। इसके अलावा दोस्तों, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का दोस्तों इसमें फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। और दोस्तों, अगर वो मिलता है तो 10% कोटा वो भी रहेगा। इसके बाद दोस्तों, इसमें 25% आपका गेस्ट फैकल्टी का भी रहने वाला है, यानी कि जो दोस्तों 25% है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल गेस्ट फैकल्टी से होगा, 75% अदर से होगा। उसमें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो आपका रोस्टर प्रणाली उसके थ्रू यहाँ पे रिजर्वेशन आपका लगने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों, आपके कितने जो पोजीशन है मैथ सब्जेक्ट में उसके हिसाब से यहाँ पे डिपेंड होगा। दोस्तों, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि कितने पोजीशंस हैं, कितने वैकेंसीज हैं मैथ सब्जेक्ट में या अदर सब्जेक्ट्स में दोस्तों, उसका दोस्तों आपको पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कितने मार्क्स अगर आपके आए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों, अभी अपने रिजल्ट जरूर शेयर करें मेरे साथ। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे किसी भी तरह का वर्ग दो से रिलेटेड आपको डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वर्ग दो या वर्ग एक। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने की। जय हिंद, वंदे मातरम।